नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि झारखंड में लंबे इंतजार के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 में कुल चार चरणों में क्रमशः 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई को मतदान होगा। वहीं पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने कहा कि चुनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट होगी। और देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। संहिता हम लोगों को लागू है आदरणीय डीसी साहब के अध्यक्षता में, फिर सीनियर एसपी साहब महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग हो चुका है ग्रामीण क्षेत्रों का, साथ साथ शहरी क्षेत्रों का भी। पर्याप्त बल हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जहाँ चूँकि चार फेज है, हम लोग के पास आइडिया भी है और फोर्स मोबिलाइज होगा, दूसरे भी जिला से होगा जैसा कि बातचीत में आई है। और जो सेंसिटिव जो जगह है उसका हम लोग मैपिंग कर रहे हैं जॉइंटली वीडियो सीओज और प्लस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डीएसपी लग के लोग। जो मेरा प्रभावित एरिया है उसको अपने झारखंड जगुआर और अपना जो अवेलेबल यहाँ फोर्स है उसके माध्यम से हम लोग वो एरिया को सैनिटाइज करना शुरू कर दिए हैं। कुछ एक बूथ ऐसा भी है जो दुर्गम एरिया में है, जहाँ आम लोगों को जाना या बहुत जब भी जाएंगे हम लोग काफ़ी पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को लेके जाना पड़ेगा। वैसे जगहों पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगर रिलोकेशन की अगर बात होती है तो अगर रिपोर्ट वैसा आता है तो हम लोग निर्वाचन आयोग को हम लोग लिख के प्रॉपर चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे। यदि अगर एक्सेप्टेंस होगा तो देन नो प्रॉब्लम, हम लोग के लिए आसान हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं किसी भी परिस्थिति में स्वच्छ और शांतिपूर्वक वातावरण में हम लोग ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसको हम लोग संकल्पित है कराने के लिए, हम लोग दृढ़ संकल्पित है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।